भगवान गणपति जी का प्रकटोत उत्सव है, कल ऋषि पंचमी है। तो स्थानीय थान वास्तव्य यमुना तीरे च दक्षिणे यमदग्नि आश्रम यत्र निर्मित विश्वकर्मणा, यहाँ पर माँ यमुना के दक्षिण तट पर जमदग्नि जी का राम नामक राम आश्रम नाम का ब्रह्मपुरी है जी, और जिसका के निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा कराया गया है जी सतयुग में। तो विशेष और ये जो ऋषि पंचमी है, देव 11 देव डोलियां, एकादश यहाँ पर रुद्र भी हैं जी। कुबेर का जो हमारा भंडार आया था वो भी एकादश का ही प्रतीक है, उसी के स्वरूप में हम इन सब देवताओं को अपने कुमेरु भंडार के स्वरूप में इन लोगों की पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं। और हमारी सभी भक्तों की क्षेत्र खुशहाल हो, हमारा प्रदेश खुशहाल हो, देश खुशहाल हो, भाव यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भाविनः, इसका लक्ष्य यही है। और फिर ये जो ऋषि पंचमी है सुहागवती मैयाओं के लिए विशेष है पर्व, उनके जीवन काल में कभी भी जाने में अनजाने में श्रुति या अनाश्रुति बस कोई गलती हो गई, रजो धर्म के समय पर धर्म भ्रष्ट हो गई या कुछ कर्म ऐसा हो गया जो हमारे लिए पाप कर्म है, उसकी निवृत्ति के लिए ऋषि पंचमी को यदि आप व्रत करोगे निश्चित ही उससे मुक्ति प्राप्त होती है भैया। और इनका तो वर्णन महाराज जी का बहुत बड़ा है, 18 पुराणों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, सब जगह वर्णित है। तो आप आए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो यही कामना करते हैं जी। जमदग्नि जी की जो तपस्थली ये ग्राम सभा स्थान है, यहाँ पर जो जैसे कि आपको भी बताया कि कुबेर भंडार है, भगवान जमदग्नि जी ने भगवान शंकर की अनंत तपस्या की और उस महाशिव की तपस्या से उन्होंने यहाँ पर कामधेनु उनके उनको मिली और कामधेनु के रूप में एक कुबेर भंडार भी उनको यहाँ प्राप्त हुआ। तो राजा सहस्त्रबाहु की अक्षौहिणी सेना को यहाँ पर जब भगवान जमदग्नि जी ने भोजन करवाया तो उसी कुबेर भंडार या माँ जो कामधेनु यहाँ पर प्रकट हुई थी कामनाओं को पूर्ति करने वाली, और उसी कामधेनु ने समस्त अक्षौहिणी सेना को यहाँ पर भोजन करवाया। उनके ही अंदर से अनंत प्रकार के व्यंजन, अनंत प्रकार के मिठाइयाँ, अनंत प्रकार के जो भी कुछ यहाँ पर सामग्री उपलब्ध हुई उससे जो है अक्षौहिणी सेना को भोजन करवाया गया। तो यहाँ पर जो ये कुबेर भंडार है, यह कुबेर भंडार बहुत पौराणिक भगवान जमदग्नि जी को यहाँ पर प्राप्त हुआ और स्वयं साक्षात कुबेर जी यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि हम लोग यदि 10 किलो चावल या 20 किलो चावल यहाँ पर बनाते हैं तो चाहे कितने भी लोग आ जाएं तो यहाँ पर वह पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। यह कुबेर भंडार का यहाँ का माध्यम है और यह कुबेर भंडार आज से नहीं, भगवान जमदग्नि जी सतयुग से इस धरती पे हैं और वो आज भी यहाँ पर विराजमान है। साक्षात कुबेर का यह भंडार या कुबेर से संबंधित है और भगवान कुबेर यहाँ पर हर समय निवास करते हैं।